दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। उनकी जल्द रिहाई की मांग वाली याचिका पर अब 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 जून को इस मामले को सुनते ही हाई कोर्ट का ऑर्डर आए तो रिकॉर्ड पर लिया जाए। बता दें कि केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा रिहाई पर अंतरिम रोक लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। केजरीवाल की अर्जी में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने स्थापित कानूनी प्रक्रिया और परंपरा की अनदेखी करते हुए जमानत आदेश पर रोक लगाई है। इस बारे में न्याय और देश में स्थापित जमानत के बुनियादी सिद्धांतों का भी उल्लंघन हुआ है। कोर्ट में हुई सुनवाई पर केजरीवाल के वकील ने क्या कहा, सुनिए। हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर को, जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी गई थी, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया था, उस कोर्ट के ऑर्डर को, हाई कोर्ट के ऑर्डर को हमने चैलेंज किया। मैटर जो है मेंशन किया गया अर्जेंटली, आज जो है हियरिंग हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चूंकि अभी हाईकोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है एंट्रीम स्टे पे वो अभी नहीं आया है, तो हमें वेट करना चाहिए, तो मैटर जो है वो एडजर्न किया गया है परसों के लिए और फिर दोबारा जो है हियरिंग रिज्यूम होगी। सर, दिल्ली हाईकोर्ट में भी जजमेंट आ रहा है, क्या उम्मीद है, कब तक आ सकता है जजमेंट दिल्ली हाईकोर्ट में? ऐसे तो कोई डेट निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन ये कहा गया था कि आज हमें जो है रिटर्न सबमिशन अपनी फाइल करनी थी। बता दें कि सीएम केजरीवाल की जमानत के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज ईडी और केजरीवाल के वकील को लिखित दलील जमा करनी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल केजरीवाल की रिहाई के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई हुई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में केजरीवाल को गुरुवार को जमानत दे दी थी। विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का ईडी के आग्रह को भी खारिज कर दिया था। ईडी 48 घंटे की रोक के दौरान ऊपरी अदालत जा सकती थी। विशेष न्यायाधीश ने 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके पर आप नेता केजरीवाल को रिहा करने का आदेश दिया था। अदालत ने साथ ही आप नेता पर कई शर्तें भी लगाई, जिनमें ये भी शामिल था कि वो जाँच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी दौरान चली सुनवाई में स्थानीय कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया और केजरीवाल के जमानत पर खतरा मंडराने लगा। ऐसे में केजरीवाल की जमानत को लेकर उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें फिलहाल राहत नहीं मिली। यानी केजरीवाल को फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।